नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। आज देश की अर्थव्यवस्था का नया सूरज उदय हुआ है। 500 और 1000 के नोट पर बैन लगने के बाद पहली बार बैंक खुल रहे हैं। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लोगों को पुराने नोट के बदले नए नोट दिए जाएंगे। डाकघरों में भी नोट बदले जाएंगे। बैंक और डाकघरों पर भारी भीड़ जुटेगी, मगर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आपको दिखाते हैं कि नए नोट कैसे मिलेंगे, पुराने नोट कहां बदले जाएंगे, आप अधिकतम कितने रुपए निकाल सकते हैं और कितने रुपए जमा कर सकते हैं। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज बैंक दूर करेंगे नोटों की परेशानी। आज से 500, 2000 के नए नोट मिलेंगे। पुराने नोट जमा करो, नए नोट ले जाओ। 500 और 1000 रुपए के नोटों पर बैन के बाद आज पहली बार बैंकों से नए नोट देने की व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको बेहतर और आसान तरीके से समझाते हैं कि बैंक और एटीएम से कैसे नए नोट मिलेंगे। आज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बैंक खुले रहेंगे। सभी बैंक, डाकघर और आरबीआई सेंटर पर नए नोट मिलेंगे। आज से 500 और 2000 रुपए के नए नोट मिलेंगे। 500, 1000 के पुराने नोट देकर नए नोट मिलेंगे। इस बार शनिवार रविवार को भी बैंक खुलेंगे। कल से एटीएम से भी 500, 2000 के नए नोट मिलेंगे। करेंसी में बदलाव के बड़े फैसले के बाद यह भी तय किया गया है कि किन किन तारीखों पर लोगों के पुराने नोट बदले जाएंगे। आज से बैंक, आरबीआई सेंटर्स, डाकघर पर पुराने नोट बदलें। 10 नवंबर से 24 नवंबर तक 4000 रुपए तक के नोट मिलेंगे। 24 नवंबर के बाद नोट बदलने की सीमा बढ़ाई जा सकती है। बैंक, डाकघर, आरबीआई सेंटर पर आईडी प्रूफ देकर नोट बदलें। 30 दिसंबर के बाद आरबीआई आईडी प्रूफ देकर पुराने नोट बदलेगा। अब आपको बताते हैं कि बैंक और एटीएम से आपको एक बार में कितनी रकम मिल सकती है। 10-24 नवंबर तक बैंकों से 4000 रुपए प्रतिदिन नए नोट मिलेंगे। 24 नवंबर तक बैंक जाकर 10000 रुपए तक निकाल सकते हैं। 24 नवंबर तक एक हफ्ते में कुल 20000 रुपए निकाल सकते हैं। 11 से 18 नवंबर तक एटीएम से 2000 रुपए प्रतिदिन ले सकते हैं। 19 नवंबर से एटीएम से 4000 रुपए प्रतिदिन निकाल सकते हैं। चेक, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, फंड ट्रांसफर पर इसका कोई असर नहीं होगा। जिन लोगों को अपने खातों में रकम जमा करनी है उनके लिए भी खास व्यवस्था की गई है, मगर काले धन वालों को यहां भी नहीं बख्शा जाएगा। बैंक, डाकघर, आरबीआई सेंटर पर 500,000 के पुराने नोट जमा करें। 500,000 के पुराने नोट जमा करने की कोई सीमा नहीं है। जमा होने वाली रकम का सही ब्यौरा न देने पर 200% जुर्माने का प्रावधान है। ब्लैक मनी को रोकने के लिए 200% पेनाल्टी का नियम बनाया गया है। आज देश की जनता चाहती है कि देश के अंदर काले धन की रोकथाम हो, जाली नोटों की रोकथाम हो, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। और आज इसीलिए मैं कह सकता हूं कि इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये प्राणवायु होगा। आज से बैंक नए नोट दे रहे हैं। कल से एटीएम भी 500 रुपए के नए नोट और 2000 रुपए के नोट देंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से रकम निकालें और जमा करें। शुरुआत में रुपए भले ही सीमित मात्रा में मिलेंगे, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ब्लैक मनी को खत्म करके आम आदमी की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ये बेहद जरूरी है। दिल्ली से मौसमी सिंह और मुंबई से वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ आज तक भी रहूं।